नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भालचंद्र ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 17 अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है सोमवार का है शोभन नाम संवत्सर है सूर्य का उत्तरायण चल रहा है वसंत ऋतु है चैत्र महीना है कृष्ण पक्ष की बारहवीं तिथि है नक्षत्र पूर्वाभाद्र पदा है योग ब्रह्मा है दिन का जो करण है वह तैतिल है और जो रात का करण है वह गर है आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर दो, दो बजकर एक मिनट से लेकर तीन बजकर सैंतीस मिनट तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर बारह बजकर दो, दो मिनट से लेकर बारह बजकर पचास मिनट तक का होगा गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह सात बजकर चालीस मिनट से लेकर नौ बजकर पंद्रह मिनट तक और काल दोपहर इक्का छब्बीस मिनट तक का होगा राहु काल और काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण करेगा यह चंद्रमा हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है रात आठ बजकर बावन मिनट मिनट के बाद यह चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेगा और वही निपटिन के साथ यह चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है यह स्थिति सामने रखते हुए बारह राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशि है मेष राशि मेष राशि के लाभ अभाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है रात आठ बजकर बावन मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर सिद्ध नेपटचिन के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है महत्वपूर्ण तो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी भी दिन है आपके जो मित्र परिवार हैं उनसे मुलाकात हो सकती है उनके उनसे गपशप हो सकते हैं उनसे अच्छी मदद मिल सकती है कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए भी नजर आएंगे शाम के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा आपका मूड चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाएगा लेकिन दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा जो भी महत्वपूर्ण तो काम है वो आप दिन में निपटा ले सकते हो इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपे के व्यय भाव में स्थित हर्चल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है शाम आठ बजकर बावन मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर प्रसिद्ध नेपट्टिन के साथ यह चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए आज के दिन आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण आइडियाज़ भी आपके मन में आ सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी शाम के बाद का जो समय है उसमें आपके जो मित्र परिवार हैं उनसे मिलजुल हो सकती है कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं कुछ अच्छे एडिशन वगैरह भी आ सकती हैं तो कुल मिला देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा इसके बाद जो राशि है वो है मिथुन राशि मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है शाम आठ बजकर बावन मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और वही प्रसिद्ध नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है महत्वपूर्ण तो दिन है आपके लिए आज के दिन आपको कुछ अच्छे इंट्यूशन वगैरह आ सकते हैं जो भी इंट्यूशन आते हैं ज़रूर उस पर काम कीजिए भविष्य में जाके ये इंट्यूशन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे शाम के बाद का जो समय है वो भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं कुल मिला के देखा जाए तो आज का जो दिन है थोड़ा बिजी डे हो सकता है लेकिन दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि कर्क राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है आपके दशम भाव में से दर्शन के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है शाम आठ बजकर भावन होने के बाद चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर सिद्धुन के साथ यह चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें सामने आ सकती हैं लेकिन आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी आज के दिन काफ़ी अच्छी बन रही है शाम के बाद का जो समय है उसमें आपका जो नजरिया है वो सडन चेंज हो जाएगा धार्मिक अध्यात्मिक विचार आपके मन में आ सकते हैं कुछ अच्छे इंट्यूशन वगैरह भी आ सकते हैं थोड़ा घूमना फिरना भी हो सकता है दिन आपके लिए शुभ लदाई साबित होगा सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के भाग्य भाव में से हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है शाम आठ बजकर बारह मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा वही प्रसिद्ध निपटिन के साथ यह चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी हारमोनीम बहुत ही अच्छी देखी जाएगी शाम के बाद के जो समय आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम शाम के बाद बिल्कुल नहीं करना चीट चीटिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि कन्या राशि के ष्ठम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और अष्टम भाव में सिद्ध हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है शाम आठ बजकर बावन मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और वही पर सिद्ध नपचुन के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है उसी प्रकार शाम के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर समस्याएं सामने आ सकती है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है तो थोड़ा सा स्वयं पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है रापे के सप्तम भाव में से हारशिल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है शाम आठ बजकर भावन मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वही प्रसिद्ध नेप्टिन के साथ यह चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है महत्वपूर्ण तो दिन है आपके लिए खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आज आपके हारमनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है शाम के बाद का जो समय है स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव तो में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके षष्ठ भाव में सिद्ध हर्षण के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है शाम आठ बजकर बावन मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर सिद्ध नेपचंद के साथ यह चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है आज का जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी उसी प्रकार शाम की बात के बाद का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटे मोटे बातों के लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है हालांकि संपूर्ण दिन जो है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके पंचम भाव में से हर्षल के साथ या चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है शाम आठ बजकर बावन मिनट के बाद बावन मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा वहीं पर सिद्ध नेपचुन के साथ यह चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए थोड़ा बिजी डे साबित हो सकता है लेकिन जो काम है वह आपके बनते हुए नजर आएंगे जो भी आपके काम रुके हुए हैं पूरे नहीं हो रहे वो काम आज के दिन आप ले सकते हो ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है शाम के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के चतुर्थ भाव में से धर्शल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है शाम आठ बजकर बावन मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और वही प्रसिद्ध नक्षण के साथ यह चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है महत्वपूर्ण तो दिन है आपके लिए आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं घर के जो लोग हैं उनके लिए कुछ कुछ खर्चे वगैरह करने भी पड़ सकते हैं लेकिन दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा शाम के बाद भी आपके जीवन में रुकी हुई बातें हैं समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ अच्छे विचार कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं जरूर उस पर काम कीजिए इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि कुंभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आपके तृतीय भाव में स्थित अचल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है शाम आठ बजकर बावन के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और वही प्रसिद्ध सिद्ध के साथ यह चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है आज आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखता हुआ नजर आएगा एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आप में देखी जाएगी जो भी काम आपके रुके हुए हैं वो पूरे कर सकते हो शाम के बाद के जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा खर्चों के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि मीन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके द्वितीय भाव में से के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है उसी प्रकार शाम आठ बजकर बावन बावन मिनट के बाद चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और वही परसिद ने निप्टन के साथ चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है आज का जो दिन है घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है आपके काम बनते हुए नजर आएंगे शाम के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वै आप जिनके भी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ जो समय है वो काफ़ी अच्छा बीत सकता है कुछ अच्छे इंटेशनस वगैरह आने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है तो कुल मिला देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा तो दोस्तों ये था दिनांक 17 अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल आपको राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुभव किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद